अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है जनाब? आप सबकी उम्मीद है आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जनाब, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो पहले आपने सब्सक्राइब करना, फिर मेरा व्लॉग जो है ना वो कंप्लीट वॉच करना है। सीन कुछ ऐसा है कि पहले मैं इस कमरे की लाइट ऑफ कर लूँ, तो फिर आपसे बात करती हूँ, क्योंकि इस मरतबा बिल्लों ने सही जो है ना वो मंडस लगा दिया हमारी। तो बहरहाल जनाब, पहले लाइट ऑफ कर लेते हैं और फिर आपसे अगले सीन की बात करते हैं। तो जनाब, सीन कुछ ऐसा है कि मैं जो है ना कल गई हुई थी अम्मी की तरफ रात को, और रात में जो है ना मैं आ गई थी वापस, कुछ काम था, अम्मी की तरफ गई हुई थी। अंजिश जो है ना वो वहीं पे रह गई थी क्योंकि उसकी खाला वहाँ पे थी, और जब उसकी खाला वहाँ पे होती है ना तो अम्मा उसको बिल्कुल भूली हुई होती है, क्योंकि वो खाला से बहुत ज़्यादा अटैच है। तो वो रह गई थी अम्मी की तरफ। तो मैं फिर जब वापस आई रात को, तो फिर मेरे पास जो है ना वो एक केक ऑर्डर था, मैंने जल्दी जल्दी से वो केक बनाकर जो है ना वो फ्रिज में रख दिया, स्पंज वगैरह बना दिया था, डेकोरेशन जो है वो मैंने अभी की है। अच्छा, सुबह जागते ही मैंने जो है ना वो कपड़ों वाली मशीन लगा दी, कपड़े शपड़े धो लिए, क्योंकि जब वो घर पे होती है ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ होता है कपड़े वगैरह धोना, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा तंग करती है, एक टफ टाइम होता है मेरे लिए। तो बहरहाल जरा वो घर पे नहीं थी, तो मैंने कहा चलें मौके से जो है ना वो फायदा उठाते हैं और जल्दी जल्दी से जो है ना वो कपड़े शपड़े धो लेते हैं। कपड़े शपड़े धोने के बाद मैंने जनाब जो है वो अपना जो ऑर्डर का केक था वो भी तैयार कर लिया, खाना शाना भी बना लिया, क्योंकि खाना जो है ना मैंने भी हस्बैंड को रस्ते में जो है ना वो ऑफिस में देना है, खाना शाना देकर जो है ना फिर चलूंगी अम्मी की तरफ। अच्छा, अम्मी की तरफ सीन कुछ ऐसा है कि आज जो है ना मम्मी की तरफ है दावत, कजन की शादी पे जो है ना वो कराची से कुछ गेस्ट आए हुए थे, तो वो गेस्ट जो है ना उनकी आज रात में जो है ना वो डिनर पे अम्मी ने जो है ना आज उनको इनवाइट किया हुआ है। तो जब आपको पता है कि डिनर वगैरह हो तो तैयारियां जो है ना वो तो दिन से ही शुरू हो जाती हैं। तो अभी तकरीबन टाइम हो रहा है 2:15 का, तो अभी चलती हूँ अम्मी की तरफ, जाकर कुछ प्रिपरेशन वगैरह करनी है दावत की, वो भी करते हैं जाकर। और साथ जो है ना केक जो है ना आज मैंने फ्रीजर में लगा दिया, उसको जो है ना वो मेरी मदर इन लॉ जो है ना वो डिलीवर कर देंगी। वैसे ऐसा होता नहीं है, हमेशा केक जो है मैं खुद ही देके जाती हूँ, लेकिन आज का सीन कुछ ऐसा है कि जो है ना वो 2:15 हो रहे हैं और लेट हो जाऊंगी क्योंकि डिनर की प्रिपरेशन करनी है। तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा मैं बॉक्स शॉक्स तैयार करके रख जाती हूँ, आपने सिर्फ केक उसके अंदर रखना है और कस्टमर को दे देना है। तो केक जो है ना वो भी मैंने तैयार कर लिया है, खाना शाना जो है हस्बैंड का वो भी मैंने तैयार करके पैक करके रख दिया। तो चलते हैं अम्मी की तरफ क्योंकि टाइम जो है ना वो बहुत हो गया है। यहाँ पर मैं जो है ना आपको केक दिखा देती हूँ, ये मैंने केक जो है ना वो तैयार कर लिया है और इसको वापस लगाती हूँ फ्रीजर में, खाना शाना उठाते हैं और निकलते हैं अम्मी की तरफ। अम्मी के घर पहुँचते जिस चीज़ ने मुझे खुश कर दिया वो ये है, मीठा जो है ना वो तैयार हो चुका है और कटिंग शटिंग जो है ना ये भी सारी हो चुकी है। अच्छा, ये हो जाए ना तो लगता है कि कितना बड़ा काम जो है ना वो हो गया। तो यहाँ पे जो है ना वो कीमा वगैरह भी मैंने निकाल दिया, इसके कोफ्ते मेरे ख्याल से अम्मी ने बना के रख लिए हैं पहले ही, और ये चिकन शिकन भी जो है ना ये भी वॉश हुआ वो पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ज़्यादा काम जो है ना वो हो चुका है। और यहाँ पे अंजिश जो है ना वो अपनी नहीं बल्कि मेरी मेकअप की किट जो है ना वो उठा के मेरे पास आ गई कि मैंने आपको जो है ना वो ये मेकअप लगाना है। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा अभी ले जाओ और खुद ही करो मेरा बच्चा, मैं तो नहीं कर रही। उसके बाद जनाब यहाँ पे जो है ना वो सिस्टर ने जो अपनी मर्ज़ी का डिज़र्ट बनाया हुआ है, तो इसके ऊपर जनाब वो क्रीम वगैरह लगा रही है और बहुत ही टेस्टी इसकी रेसिपी है। इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग्स में किसी दिन जो है ना ये भी शेयर करूँगी। मैंगो से बना हुआ बहुत ही मज़े की जो है ना ये एक क्विक सी बनने वाली जो है ना एक रेसिपी है, तो आगे जो है ना व्लॉग में इसको भी किसी दिन जो है ना इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो बहरहाल यहाँ पर जो है ना वो क्रीम के अंदर मैंगो प्यूरी जो है ना वो अच्छे तरीके से बीट होकर करने के बाद जो है ना वो सिस्टर ने इसके ऊपर जो है ना वो लगाती है और इसको जो है ना इस तरीके से चम्मच की मदद से स्प्रेड करके बहुत ही अच्छा सा चिल करेंगे और आखिर में जो है ना इसके ऊपर जेली डलेगी। दोपहर यहाँ पे मैंने कुकर में डाल दिया मटन, और मटन डालने के बाद ना मैंने कहा चने इसमें मसाले सारे डाले, तो प्याज श्याज जो कटे हुए पड़े हुए थे मेरे लिए इतनी कोई आसानी होगी, साथ ही मैंने टमाटर वगैरह डाले और जो चार मसाले हम लोग हर सालन में डालते हैं बस वही जो है ना इसके अकॉर्डिंग जितना गोश्त था उसके अकॉर्डिंग मैंने जो है ना उसमें डाल दिया। लहसुन अदरक का पेस्ट भी मैंने तकरीबन 2-3 चम्मच भर के अच्छे से डाल दिए। उसके बाद जनाब मैंने इसके अंदर डाल देने हैं मसाले, और मसालों में 4 देसी मसाले जो है ना वो चले जी, इसमें लहसुन अदरक वगैरह चला गया। अब मैं इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ, मेरे ख्याल से तकरीबन 2.5 किलो जो है ना ये मटन होगा, और इसके अंदर इस हिसाब से मैंने एक कटोरा जो है ना वो पानी का भी डाल दिया है। इसमें तकरीबन 2-2 टेबल स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्च का पाउडर, 2 ही टेबल स्पून मैंने इसमें डाले हैं खुश्क धनिया, और साथ ही जो है ना मैंने इसमें हल्दी जो है ना वो भी तकरीबन 2 ही टेबल स्पून शामिल करनी है, और नमक जो है ना वो हसबे जायका जो है ना इसमें मैं शामिल कर लूँगी। वैसे मैं तकरीबन इसमें 2 किलो के हिसाब से जो है ना तकरीबन 2 टेबल स्पून जो है ना वो नमक के शामिल कर लूँगी। चलिए जी, नमक वगैरह भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया, पानी ऑलरेडी मैंने इसमें डाल दिया था, ऑयल मैं जो है ना वो हमेशा भूनते हुए डालती हूँ, अभी मैंने ऑयल इसके अंदर शामिल नहीं किया है, बस इसका वेट लगाते हैं और इसको जो है ना पकने के लिए रखते हैं। दूसरी साइड पे जनाब मैं यहाँ पे जो है ना वो चिकन की मैरिनेशन करने लगी हूँ, जो हम लोगों ने चाइनीज़ बनाना है। ठीक है जी, चाइनीज़ में हमारे पास यहाँ पे स्वीट एंड सॉल्ट चिकन जो है ना वो बनेगा, तो उसके लिए जनाब मैंने यहाँ पर जो है ना बोनलेस चिकन ले लिया। अच्छा, उसके अंदर जो है ना मैंने तकरीबन जो है, अच्छा बोनलेस चिकन जो है ना तकरीबन 1 किलो होगी या 1.25 किलो होगी। ठीक है जी, बोनलेस चिकन 1.25 किलो है, इसमें तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून अच्छे से भरकर मैंने शामिल कर देने हैं कॉर्नफ्लोर के, और साथ ही ना इसमें मैंने डाल देने हैं 2 अंडे। अच्छा, ये 1.25 किलो या फिर जो है ना वो 1.25 किलो की जो है ना ये मैरिनेशन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बोनलेस चिकन की क्वान्टिटी जो है वो 1.25 किलो। अच्छा जी, 2 अंडे जो है ना मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं, 2 अंडे शामिल करने के बाद मैंने ना इसके अंदर नमक शामिल कर देना है तकरीबन जो है वो 1 टेबल स्पून
सवा किलो के हिसाब से एक टेबल स्पून नमक का शामिल कर देना है। ठीक है जी, उसके बाद मैंने इसके अंदर जो है ना वो शामिल कर देना है सोया सॉस, और सोया सॉस मैंने इसमें शामिल किया है तकरीबन 5 टेबल स्पून, अच्छे से भर का 5 टेबल स्पून मैंने इसमें डाल दिया है सोया सॉस। सोया सॉस शामिल करने के बाद मैंने इसमें जो है ना वो काली मिर्च का पाउडर शामिल करना है, और अच्छा चिली सॉस जो है ना पहले मैं इसमें ये शामिल कर रही हूँ तकरीबन जो है वो 3 टेबल स्पून मेरा इसमें चला गया है चिली सॉस। चिली सॉस शामिल करने के बाद पहले मैं इसको अच्छे तरीके से हाथ से जो है ना मिक्स कर लेती हूँ। काली मिर्च का पाउडर जो है ना वो अभी शामिल कर दूँगी मैं इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून। ठीक है जी, 1 टेबल स्पून मैंने इसमें शामिल कर दिया है काली मिर्च का पाउडर, अच्छे से मैरिनेट कर लिया। मैरिनेट करने के बाद यहाँ पे जो है ना और कुकिंग ऑयल जो है मेरा बहुत अच्छा सा गर्म हो चुका है। अब मैंने 1 by 1 जो है ना इसके अंदर चिकन जो है ना वो शामिल कर देनी है। अच्छा ऑयल बहुत अच्छा सा गर्म हुआ है, इसके अंदर शामिल करने के बाद फ्लेम बिल्कुल मैं लो कर दूँगी, और लो फ्लेम पर जो है ना फिर मैंने इसको पकाना है ताकि बोटी जो इसकी जो है ना वो अंदर तक जो है ना वो अच्छे से पक जाए, कच्ची ना रहे। ठीक है जी, अच्छा सारा चिकन जो है ना अच्छा ये एक साथ आपने शामिल नहीं करना है, एक साथ अगर शामिल कर देंगे ना तो बिल्कुल आपस में जुड़ जाएगा। जब भी चिकन डालनी है ना तो अलग अलग करके। कंप्लीट जो रेसिपी है ना मैं ऑलरेडी अपने इस चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ स्वीट एंड सॉर्ट चिकन की, बहुत ही टेस्टी बनते हैं, दावतों के लिए ना बहुत ही अच्छी रेसिपी है ये। ठीक है जी, तो आप बिरयानी और पुलाव से ऐड करना इस रेसिपी को भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही मज़े का बनता है और बिल्कुल इसका टेस्ट ऐसे होता है जैसे आप रेस्टोरेंट वगैरह में किसी में जो है ना आप कुछ स्वीट एंड सॉर्ट या जलफ्रेजी वगैरह ऑर्डर करते हैं। ठीक है जी, बैंड बाई लगते हैं ये भी आपस में, तो ये है कि बहुत ही टेस्टी बनता है। सारे चिकन मैंने इसके अंदर 1 by 1 शामिल कर दिया, इसको कर लेना है अच्छा सा गोल्डन, और गोल्डन करने के बाद जनाब मैं इसको निकाल लूँगी। मटन भी गल गया है दूसरी साइड पे, और एक साइड पे इसकी बुनाई करूँगी और दूसरी साइड पे जो है ना मैंने यहाँ पे फ्राई करने के लिए जो चिकन है ना वो रखी हुई है। वेजिटेबल की कटिंग जो है ना वो भी मैंने कर दी, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे। मैंने वेजिटेबल की जो कटिंग है ना वो भी करके रख दी है, और बस अब इसको पहले फ्राई करते हैं और उसके बाद जनाब जो है वो इसकी जो फाइनल कुकिंग है ना उसकी तरफ चलते हैं। यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट जो है ना तकरीबन 1.5 टेबल स्पून मैंने डाल दिया है कढ़ाई के अंदर, और इसकी जो बाकी प्रोसेस है ना वो इस कढ़ाई के अंदर मैं करूँगी। अच्छा सा इसको ज़रा सा गोल्डन कर लेते हैं, और उसके बाद जो है ना हम लोगों ने अपनी फ्राई की हुई जो चिकन है वो इसके अंदर शामिल कर लेनी है, और बहुत ही मज़ेदार सी जो उसकी सॉस बनती है हम लोगों ने फिर वो सॉस बनानी है। पहले मैं इसके अंदर जो है ना अपनी फ्राई हुई चिकन सारी शामिल कर देती हूँ, और अच्छे तरीके से जो है ना हम लोगों ने इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद जनाब इसके अंदर जो है ना हम लोगों ने सॉस बनानी है। मेरे पास जो है ना वो यखनी पड़ी हुई है, यखनी जो है ना वो मैंने चाइनीज़ राइस चूँकि बनाने थे ना तो उसके लिए चिकन कुछ जो है ना वो मैंने बॉईल की हुई थी, और उसकी जो यखनी है ना मेरे पास मौजूद थी, तो मैंने कहा चलें वो यखनी जो है ना हम लोगों ने इसके अंदर शामिल कर लेनी है, उससे बहुत ही अच्छा जो है ना उसका टेस्ट आता है। तो मैंने इसके अंदर जो है ना वो यखनी शामिल कर दी, और यखनी अच्छा यखनी ना होना तो उसकी जगह जो है ना आप चिकन स्टॉक क्यूब जो होता है ना वो भी शामिल कर सकते हैं, और अगर क्यूब भी आपके पास ना हो तो चिकन पाउडर भी जो है ना आप शामिल कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे मज़ेदार सा मंचूरियन या आप स्वीट एंड सॉर्ट जो है ना जो भी बोल रहे हैं वो हो चुका है तैयार, और उसके बाद जनाब यहाँ पे चाइनीज़ राइस के लिए ना मैंने वेजिटेबल जो है ना वो भी बना के रख लिए हैं। दूसरी साइड पे जो है ना अम्मी ने कोफ्ते बनाए, क्योंकि अम्मी कोफ्ते बहुत ही टेस्टी बनाती हैं, तो अम्मी ने यहाँ पे जो है ना वो कोफ्ते भी तैयार करके रखती हैं। बर्तन शर्तन जो है ना वो निकाल के लिए हैं, अभी इनकी जो है ना वो पहले सफाई होगी और उसके बाद जो है ना हम लोग इसको जो है ना वो टेबल पर लगाएंगे। यहाँ पे जो है ना पतीले में डालते हैं चावल जो है ना जो बॉयल होके जो है ना वो मैंने निकाल लिए थे, नथाड़ लिए हैं, पानी उसका ड्रेन कर दिया है, तो अभी जो चावल हैं मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए अपने पतीले के अंदर, और चावल की क्वांटिटी जो है ना वो है तकरीबन 2 किलो, और अच्छे से जो है ना पहले हम लोगों ने बड़े से पतीले में शामिल कर दिया अपने बॉयल हुए हुए चावल, और उसके बाद जो मैंने चाइनीज़ राइस के लिए जो है ना वो वेजिटेबल बना के रखी है वो सबसे एंड पे मैं इसके ऊपर डालूँगी। अच्छा चाइनीज़ राइस की भी जो प्रॉपर रेसिपी है ना मैं ऑलरेडी शायद अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, आई थिंक कर चुकी हूँ मैं अपलोड। ठीक है जी, तो अगर आपको चाइनीज़ राइस की रेसिपी चाहिए मेरी तो वो भी आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी, बहुत ही टेस्टी चाइनीज़ राइस जो है ना इसके साथ बनते हैं। तो यहाँ पे जनाब चावल मैंने जो है वो पतीले के अंदर शामिल कर दिया, अब मैं इसके अंदर जो है ना अपने जो लोगों ने वो बनाया हुआ है वेजिटेबल वो सारा इसके अंदर शामिल कर दूंगी। चलें जी, ये सारी वेजिटेबल चली गई, तो जनाब जितनी देर में मैं वेजिटेबल ये शामिल कर रही हूँ, अगर आप मेरे इस चैनल पे नए आए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं ना किया है तो पहले आपने सब्सक्राइब कर लेना है और फिर मेरी वीडियो जो है ना मुकम्मल वॉच करनी है। बहुत सारे लोग अभी भी बगैर सब्सक्राइब किए मेरी जो है ना वो वीडियो वॉच करते हैं, तो जनाब सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा फूड कलर जो है ना मैं थोड़ा सा डालती हूँ चाइनीज़ राइस के अंदर, इससे एक बहुत अच्छी सी लुक जो है ना वो आती है चाइनीज़ राइस की ना, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लें, नहीं डालना तो आप बेशक इसको जो है ना वो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा ना इसका कलर पसंद है, ज़रा ज़रा से वाइट जो है ना चावलों के ऊपर थोड़ा सा जब ये कलर चढ़ जाता है ना जर्दे का रंग, तो ये बड़ा प्यारा लगता है।
चलें। इसके बाद जो है ना मैं इसको जो है ना वो फाइनल दम देने लगी थी, यहाँ पे मैंने चिली सॉस है ना ये भी डाल दिया है। उसके बाद फिर मैं इसको कवर कर दूँगी, दम लगा दूँगी। और यहाँ पे जनाब टेबल सेटिंग जो है ना वो सारी हो चुकी है, और इस तरीके के जो है ना चमचे और प्लेटें और सब कुछ जो है ना ग्लासेस वगैरह सब सेट हो चुका है। और मटन जो है ना इसको फाइनल राउंड है गर्म किया है। उसके बाद जनाब इसके ऊपर जो है ना वो गर्म मसाला पाउडर जो है थोड़ा सा वो शामिल कर दिया है लास्ट में, और साथ ही साथ जो है ना इसके ऊपर हरा धनिया, क्योंकि हरा धनिया जो है ना वो जब हम लोग शामिल करते हैं ना फिर चूल्हा जो है ना वो बंद कर देते हैं, उससे एक बहुत ही खूबसूरत कलर और टेस्ट आता है। अगर हम इस धनिया को इसी के अंदर पका देंगे ना तो वो टेस्ट नहीं आता। पहले यहाँ पर हमारी जो फाइनल डिशेज़ है ना वो हो चुकी हैं तैयार, और माशाल्लाह से अब जो है ना वो सर्विंग शुरू हो चुकी है, गेस्ट जो है ना वो आके बैठ चुके हैं। और अब पहले हम लोग टेबल सेटिंग करेंगे सारी, और फिर उसके बाद जो है ना अपने गेस्ट को जो है ना वो बुलाएंगे टेबल की तरफ, और फिर खाना शाना सब मिलकर खाएंगे। यहाँ पे जो है ना पहले जो है वो खाना शाना लगाएंगे टेबल के ऊपर प्रॉपर, जब सेटिंग हो जाएगी तो फिर गेस्ट को बुलाएंगे। तो ये जो है ना हमारी फाइनल सेटिंग। रोटियाँ वगैरह भी मंगवा ली थी, रोटियाँ तो खैर तंदूर से ही आ गई थी, भाई ले आए थे तंदूर से रोटियाँ। और यहाँ पर रायता वगैरह जो है ना वो भी रेडी हो चुका है, सब चीज़ें जो है ना रेडी हो चुकी हैं। भाभी सिस्टर मम्मी सब मिलकर जो है ना यहाँ पे काम शाम लगे हुए हैं, सब मिलकर जो है ना वो दावत की प्रिपरेशन के साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना सैलेड वगैरह भी आ चुका है, माशाल्लाह से टेबल पूरा हो चुका है तैयार। और अब जो है ना वो एक बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे एक रेस्टोरेंट स्टाइल में जो है ना वो टेबल सेटिंग होती है ना, बिल्कुल उसी स्टाइल में टेबल सेटिंग हुई हुई है। यहाँ पे चावल शावल जो है ना वो भी दम उनका भी हो चुका है, इनको भी मिक्स करते हैं, इनको भी डिश आउट करते हैं, और फिर टेबल के ऊपर जो है ना इनको भी सर्व करते हैं। मैंने कहा एक दफ़ा आपको भी दिखा देती हूँ कि फाइनल जो है ना वो क्या तस्वीर निकल के आई है हमारे इन चावल की। देखिए माशाल्लाह ये भी बहुत ही अच्छे बने हैं। तो इसकी रेसिपी ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, कपीर रेसिपी जो है ना आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर माशाल्लाह टेबल जो है ना प्रॉपर सेट हो चुका है। चलें जी मेहमानों को बिठाते हैं यहाँ पर, और खाना शाना खोलते हैं, और ताकि जो है ना अभी क्योंकि रात के ना तकरीबन अभी 9:15 का टाइम हो चुका है, लेट भी हो चुके हैं। तो चलें अब खाना शाना जो है वो खाते हैं, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। पहले मेहमानों को खाना शाना खिलाते हैं, उसके बाद खुद बैठ के खाना शाना खाएंगे। मेहमान सारे बैठ चुके हैं माशाल्लाह, सब जो है ना वो खाना शाना यहाँ पे खा रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ें जो है ना वो बहुत अच्छी तैयार हो गई हैं, और सब ने जो है ना मिलकर जो है ना वो सब चीज़ें जो है ना वो तैयार की हैं। तो यहाँ पे जो है ना सब खाना शाना खा रहे हैं, बारी आ चुकी है उसके बाद मीठे की। तो मीठा भी जनाब हमारा हो चुका है ठंडा तैयार, ठंडा ठार सा तैयार। और ये जैली के लिए जो आपको मैंने बोला था कि लास्ट में जो है ना वो डिज़र्ट के ऊपर जाएगी, और खाना वो रखने के बाद जनाब यहाँ पे आ चुका है हमारा खाना। मेहमान खाना शाना खा चुके हैं, और अब हमारी बारी है यहाँ पे खाना शाना खाने की। भूख बहुत ज़ोरों से लग रही है, तो चलें जनाब पहले हम लोग खाना खाते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। ये आ गई है मेरी प्लेट, और यहाँ पर जनाब मैं खाना शाना खा लूँ तो फिर आपसे मिलती हूँ। उसके बाद जो है ना मीठे की बारी है, मीठा शीठा एंजॉय करते हैं। जनाब दावत शावत हो गई है ख़त्म, और ये जनाब बर्तनों का जो है ना वो एक लास्ट राउंड जो है ना वो धो के रखने का होता है। तो ये बर्तन शर्तन सारे धुल धुला के रखती हैं। तो जनाब दावत वगैरह जो है वो तम्मी के घर पे ख़त्म हो गई थी, रात को मैं आ गई थी घर, बहुत ज़्यादा थकावट हो रही थी तो मैं आती सो गई थी। ब्लॉग जो है ना वो एंड करना जो है वो याद भी नहीं रहा था, और थकावट इतनी ज़्यादा थी, मैंने सोचा कि सुबह जनाब आपको बोलेंगे अल्लाह हाफिज़। तो जनाब व्लॉग यहाँ पे एंड होता है। तो चैनल पे अगर आप नए आए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि जब भी मैं नए व्लॉग अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन जो है ना वो आप तक आ जाए। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।